नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पोजिट स्टॉक की सीरीज में जो स्टॉक लेके है उसका नाम है आइसर मोटर। दोस्तों, स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है और एक कंसोलिडेट करते हुए प्राइस पर आपको मिल रहा है। 200 EMA के पास है दोस्तों, 200 EMA से नीचे ही है। और 200 EMA के पास जहाँ पर उसे बाउंस बैक, जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, वहीं से उसने बाउंस बैक मारा है और उसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक का जो लेवल है, ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसे के ऊपर फोकस करना। तो एक ये लेवल है, इसके अंदर एक बार यहाँ पर इसने पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और फिर इसी के आसपास जाके ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। अगर निकलता है तो अपने नए हाई की तरफ जाएगा, यानी कि 3000 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अभी 2500 के आसपास मिल रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी यानी कि करंट डेट यानी कि 2490 पर केवल आपको अपने 25% कैपिटल लगानी है। बाकी आप लगाओगे दोस्तों 2300 पर, यहाँ पर आप अपनी 30% कैपिटल लगा सकते हो और बाकी का बचा हुआ 45% कैपिटल आप लगाओगे 2025 पर। दोस्तों ध्यान रखना, 2025 इसका बेहतरीन लेवल है। अगर इस लेवल पे स्टॉक आपको मिल जाए दोस्तों तो इसे चूकना मत, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है 2490 से 2025 पर, मैं लास्ट इसका लेवल बता रहा हूँ, यानी कि शायद 20% के नीचे। लेकिन अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, जैसा कि अभी ये थोड़ा सा नए कोरोना का जो भी केसेस वगैरह के चक्कर में मार्केट में अगर थोड़ी करेक्शन और आती है, तो अगर गलती से आपको ये 2025 के आसपास मिल जाए दोस्तों तो बिंदास होकर बाय करना, क्योंकि इसके नीचे आपका एसएल काफ़ी छोटा होगा लेकिन टारगेट वहाँ से आपको बड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अगर 2025 पर अगर मिल जाता है दोस्तों तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर लेना। अगर आपको यहाँ 2490 से ऊपर जाता है तो अपना 10% जब भी प्रॉफिट मिलता है दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लेना। एक बार इसका फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। दोस्तों ये टिकट ऐप पे जाके हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं स्टॉक का। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो अभी प्रॉफिट आपको जरूर थोड़ा कम नज़र आ रहा है, रेवेन्यू भी थोड़ा डिप कर रहा है, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखोगे दोस्तों तो आपको काफ़ी ग्रीन नज़र आएगा सब कुछ। जहाँ पर इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 0.24% है 5 साल के अंदर, वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 7.21% है, यानी कि बेहतरीन कह सकते हो दोस्तों, बेहतरीन से भी बेहतरीन कह सकते हो। कंपनी ने 5 साल के अंदर अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज करा है, 22.04 से 30.84% कर लिया है। अगर नेट इनकम मार्जिन की बात करें तो जहां पर इंडस्ट्री का नेट इनकम एवरेज जो है वो -12.73% है, वहां पर इस कंपनी का 0.013% है। मतलब इंडस्ट्री का नेगेटिव चल रहा है दोस्तों, इस कंपनी का पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ग्रोथ व्यू की बात करें तो ग्रोथ व्यू के अंदर यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों गिरी नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ 2.06% है, वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 7.99% है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है दोस्तों। अगर इंडस्ट्री की नेट इनकम एवरेज की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री की नेट इनकम एवरेज -2.66% है, वहाँ पर इस कंपनी का +2.24% है, यानी कि इंडस्ट्री का नेगेटिव नज़र आ रहा है दोस्तों और इस कंपनी का आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा। अगर मार्जिन व्यू की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर इंडस्ट्री का EBITDA मार्जिन 18.34% है, वहाँ पर इस कंपनी का EBITDA मार्जिन 31.45% है। कंपनी का जहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन, इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.74% है, वहाँ पर इस कंपनी का
नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.48% है, यानी कि सब कुछ काफ़ी ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में दो पॉइंट दे रखे हैं, नॉर्मल व्यू के हिसाब से दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अगर ग्रोथ व्यू के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी डिफरेंस के साथ नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। लास्ट में दोस्तों हम लोग इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि रिटेलर इसमें से एग्जिट कर दें 11.85%, यानी अब तक की जो सबसे कम होल्डिंग है वो सितंबर क्वार्टर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो रिटेलर एग्जिट कर रहे हैं दोस्तों, स्टॉक 200 EMA से नीचे ही मिल रहा है आप लोगों को, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।